प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम करेंट के नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए आपसे यह विनती होगा, यह आपसे गुजारिश होगा कि आप इसे पूरी तरह से देखें, क्योंकि करंट का एक भी अगर टॉपिक मिस होता है तो इससे बहुत ही आपका यार बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। क्योंकि क्या चीज़ एग्ज़ाम में करंट में आ जाएगा, करंट का कोई सिलेबस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, कहाँ से पूछ देगा, कितने महीने का पूछ देगा। इसीलिए आप इसे पूरी तरह से देखते हुए, सीखते हुए, नोट डाउन करते हुए इसको लिखेंगे, समझेंगे। एक नए और इसी के साथ में हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं क्या कि हाल ही में योपथीमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद खोजा गया है। एक तितली प्रजाति का है ये आप बायो में पढ़िएगा कि उस तितली का बोटनिकल नाम क्या है, सब कि एक तितली है उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। योपथीमा वाटसोनी को 61 साल बाद खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? भारत में ही खोजा गया है। कहाँ पर? तो त्रिपुरा में। कहाँ खोजा गया है? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में खोजा गया है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के CCM विप्लव कुमार देव हैं, डिप्टी CM रमेश वैसे हैं। तो हाल ही में योपथीमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद खोजा गया है। कहाँ? भारत के कहाँ पर? त्रिपुरा में, जिसकी राजधानी अगरतला है, जिसके CM अभी विप्लव कुमार देव हैं और डिप्टी CM रमेश वैसे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे CGL हो, BPSC हो, EPSC हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी तरह से इसको देखेंगे कि किस राज्य में, तो भारत देश में त्रिपुरा राज्य में खोजा गया है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल बिक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंडिया ग्लोबल पूरे विश्व स्तर पर इंडिया ग्लोबल बिक विघ्न सप्ताह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वो है ब्रिटेन में, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें 30 देश के 5,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और कहां पर आयोजित हुआ है? ब्रिटेन में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ग्लोबल बिग 2020 सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है आपको कहां पर? ब्रिटेन में हुआ है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि कैंसर की उपचार के मामले में भारत कितने स्थान पर है? पूरे वर्ल्ड में भारत कितने स्थान पर है कि वहाँ पर उपचार हो पाता है? तो भारत कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत 8वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया 98% के रेशियो से सबसे नंबर वन पर है। दूसरा है साउथ कोरिया 83% के 83.83, और तीसरा है मलेशिया 80% के। अब भारत है 52% के रेशियो से, मैंने कैंसर की तैयारी के सूचकांक में 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 8वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया रहा है, तीसरे स्थान पर मलेशिया रहा है। 1, 2, 3। अब भारत की स्थिति कम से कम 52 point something रहा है, राउंड फिगर 52% है 8वें। चौथा क्वेश्चन है कि गूगल जो एक सर्च इंजन है, गूगल ने एक अपना कार्यक्रम लॉन्च किया था गूगल प्लस के नाम से। गूगल जो सर्च इंजन है उसने एक स्टार्ट किया था गूगल प्लस के नाम से, तो गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है, मतलब गूगल प्लस का दूसरा नाम से किस नाम से रीलॉन्च किया है, तो उसका उत्तर होगा गूगल करंट। बहुत इम्पोर्टेंट है कि गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है, यानी पुनः रिलॉन्च करने, मतलब पुनः किस नाम से दोबारा किया है, गूगल करंट। ऐसे हम गूगल के बारे में जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम सर्च करते हैं, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। इसकी गूगल की स्थापना 1998 में, गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। स्थापना कब हुआ था 1998 में, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक सर्गेई बिन और लैरी पेज, सर्गेई बिन और लैरी पेज। और इसके अभी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, सुंदर पिचाई। और इसके संस्थापक कौन है, सर्गेई बिन और लैरी पेज। और इसकी स्थापना गूगल कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। गूगल की स्थापना कब हुई, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, गूगल के संस्थापक कौन है, गूगल के सीईओ कौन है। ये गूगल के बारे में इतिहास हो गया, तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बन गया। तो मतलब एक क्वेश्चन ही हो गया, दो क्वेश्चन बन गया, तीन चार क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है, तो गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया है। और गूगल कैसा इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। जिसकी स्थापना कब की गई है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक है सर्गेई बिन और लैरी पेज। और इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया, गूगल करंट के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अभी हो गई है अमरावती।
इसके सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और किसान दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो इनके जगन मोहन रेड्डी के पिता थे राजशेखर रेड्डी, जो पहले सीएम थे आंध्र प्रदेश के सीएम थे, उन्हीं के याद में 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया जाता है। और अभी सीएम है जगन मोहन रेड्डी। इसकी राजधानी बनाया गया है अमरावती में बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि आंध्र प्रदेश पहली भाषा के रूप में स्थापित होने वाला प्रथम राज्य है कौन, आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों बट चुके हैं, अलग अलग हो गए हैं। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो गया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती, जिसका सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी के पिता की याद में ही किसान दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हाल ही में योपथीमा वाटसोनी तितली को कितने साल के बाद, 61 साल के बाद किस राज्य में खोजा गया है, तो त्रिपुरा में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया ग्लोबल बिग 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्रिटेन में आयोजित हुआ है। किसने उद्घाटन किया, तो भारत पीएम नरेंद्र मोदी ने। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 8वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया है और तीसरे स्थान पर मलेशिया है। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है, तो गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया है। और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई हैं। किस राज्य सरकार ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया है, तो आंध्र प्रदेश मनाया है। राजधानी कहाँ पर है आंध्र प्रदेश का, अभी है राजधानी अमरावती में। आज के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी। आज किनके याद में मनाया जाता है, तो इनके पिता वो राजशेखर रेड्डी के याद में किसान दिवस मनाया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह करंट पसंद आया होगा। आप लोग इस करंट को पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, उसको याद करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः इसको पढ़िए, वीडियो को पूरा देखें और नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, करंट के साथ आने वाले हैं, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो करंट हैं, वैसा क्वेश्चन को हम ला रहे हैं आपके समक्ष में। जो घटना घट रही है, इधर निरंतर घटना घट रही है, उसको हम कलेक्ट करके आपके समक्ष ला रहे हैं। और कुछ हम क्या करते हैं, एक चंद्र शर्मा जी का क्वेश्चन था, एक सलाह था कि इसको ठीक कीजिए, तो हम उतना डिस्कस नहीं कीजिए, हल्का कीजिए। पर देखिए, इससे डिस्कस करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन का तीन चार और क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं उसी क्वेश्चन से। तो ये आपके आने वाले क्वेश्चन के लिए कम समय में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्राप्ति के बात हो जाएगी कि एक ही क्वेश्चन से अगर डिस्कशन करवा देते हैं। जैसे कि गूगल आ गया, गूगल में खाली हम लिखवा देते हैं कि गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया गया है, तो खाली लिखवा देते गूगल करंट, एक ही क्वेश्चन बनता। पर अगर इसमें हम लिखवा दिए कि क्या कि गूगल कैसा है, सर्च इंजन है, ये भी क्वेश्चन आता है करंट में, कंप्यूटर वगैरह में आता है। फिर बोला गूगल की स्थापना कब हुई है, ये आपका अलग क्वेश्चन बन जाएगा। गूगल का मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है। संस्थापक कौन है, सीईओ कौन है, तो इसी से आपको 5-6 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए आपको हम कहते हैं बार बार कि आप जब भी बैठें तो किताब कॉपी कलम कॉपी सब ले कर बैठें, कलम कॉपी ले कर ही बैठें और नोट ऑन करते चलें। और साथ में जो उसका विशेष रूप से, जैसे एक क्वेश्चन विशेष रूप से अगर कुछ विश्लेषण करवाया गया, उसको भी लिखें। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहीं पर सारा कुछ मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको जितना डीप हो सकता है, जितना बन सकता है और डीप में हम
प्रयास करते हैं कि आपको हम समझाने का प्रयत्न करें, बताने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। उसमें हम नया कुछ टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।